भारत गौरव ट्रेन एक अनोखी यात्रा पर निकल रही है, और इस यात्रा की अगर हम बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर यात्रा के नाम से ये ट्रेन अपनी यात्रा पर चल रही है। और यहाँ पर वो यात्री हमारे साथ हैं जो इस यात्रा में शामिल रहेंगे। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार बाबा साहब अंबेडकर इतने महान क्यों थे। यहाँ पर हमारे साथ जो सज्जन मौजूद हैं, आप इस ट्रेन में जा रहे हैं? जी, हम जा रहे हैं ट्रेन में। हमारा पूरा ग्रुप है 50-55 लोगों का। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र जी, अगर हम बाबा साहब का नाम लेते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों और वंचितों को उन्होंने एक बड़ा अधिकार दिलाया और उनकी लड़ाई लड़ी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना है सिर्फ दलितों वंचितों को नहीं दिलाया, वो आधुनिक भारत के निर्माता थे और जो संविधान बनाया वो पूरे देश के लिए बनाया। इसलिए दलितों वंचितों तक सीमित बाबा साहब को ना करें, मेरा ऐसा निवेदन है आपके माध्यम से सबसे। और मैं सोचता हूँ कि मैं एक शोषित समाज से आता हूँ और टाई और हैट लगा करके खड़ा हुआ हूँ, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद जैसे हमारे बाप दादा अनपढ़ मर गए, हम भी मर गए होते। इसलिए हमारे लिए ये बहुत गौरव की और गर्व की बात है कि आज हम बाबा साहब की यात्रा, जो कि भारत सरकार ने, रेलवे ने, IRCTC ने ये ऑर्गेनाइज की है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेलवे का, यहाँ पर लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरोज। तो सरोज जी, इस यात्रा पर निकल रहे हैं, कौन कौन सी जगहें देखेंगे आप? हम बोधगया देखेंगे, इधर मऊ देखेंगे, नागपुर दीक्षा भूमि देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय देखेंगे और सारनाथ देखेंगे। तो बाबा साहब के बारे में अगर एक बात बोलनी होगी तो क्या कहेंगे आप? भारत की सभी नारियों को जो उन्होंने अधिकार दिए वो पहले नहीं थे किसी के पास, और वो शोषित वंचितों दलितों तक सीमित नहीं थे, उनको सीमित कर रखा बाबा साहब को, वो ऐसे नहीं थे, उन्होंने सारे भारत के लिए काम किया। बस यही बोलना चाहूंगी मैं। आधुनिक भारत के निर्माता कहा जा सकता है। आप कहाँ जा रहे हैं? या पूरी यात्रा में रहेंगे? हम जी हाँ, पूरी यात्रा में रहेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराधा सिंह मेरा नाम है। तो अनुराधा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तो यहाँ जब बाबा साहब का नाम आता है और आज 14 अप्रैल है, पूरे देश में एक अलग तरीके का उत्साह है, क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में? भारत, हम गौरव यात्रा पर जा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब की गौरव यात्रा पर जा रहे हैं। जैसा कि विदित है, हमें लेडीज़ को, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, और आज हम उनकी इस यात्रा पर जा रहे हैं, और हम भारत को, हम जय भीम जय भीम जय भीम बाबा साहब को बार बार नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। जय भीम की बात है, जय भारत की बात है, भारत के गौरव का ये इतिहास है जिस पर ये ट्रेन निकल रही है। आप बड़ा शांत मन से सुने जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहें? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ग्रेटर नोएडा से मालती सिंह, हम लोग इस यात्रा पर जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, पहली बार जा रहे हैं जहाँ बौद्धिक प्लेसेज हमें घूमने को मिलेंगे, और ये सब बाबा साहब की देन है जो आज यहाँ पर हम खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। नारियों का इतना सम्मान बाबा साहब ने दिया और किसी ने नहीं दिया, तो बाबा साहब की वजह से हमें जो सम्मान मिला, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इतने अच्छे कपड़े हमें पहनने को मिले, अच्छे से रहने को मिला, अच्छे से खाने को मिला, अच्छे अच्छे घर मिले, तो बाबा साहब की देन है। और जो आपके सामने आज माइक पे मैं बोल रही हूँ, सब बाबा साहब की देन है। तो मुझे बड़ा जो है, हम कह सकते हैं, नाम है भारत के लिए। बाबा साहब का बहुत नाम है भारत के लिए, बहुत गौरव की बात है जो ये उन्होंने ट्रेन चलाई है, सबको घूमने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझिए, ये ट्रेन अपने आप में इसलिए खास हो जाती है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की जब हम बात करते हैं तो उनकी, उनसे जुड़े हुए तमाम स्थानों पर ये ट्रेन ले जाएगी। और यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जो बात करना चाहते हैं। आप बात नहीं करना चाहते बाबा साहब पे? नहीं नहीं, बात तो करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है। तो एक विशेष ये हमें मौका दिया है और ये जो मिला है बाबा साहब की वजह से ही मिला है। बाबा कहते हैं कि ये सरकार, या खास तौर पर BJP सरकार, रेलवे का जो है पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये पॉलिटिकल उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मतलब ये यात्रा अरेंज करके बहुत अच्छा काम किया है, इससे जो है बाबा साहब के जो दर्शनीय स्थल हैं उनको जो है दिखाएंगे, अच्छा जो है बाबा साहब को याद करेंगे और उनको बार बार नमन करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए कि एक बड़ा काम हो रहा है। भाई साहब, आप भी जा रहे हैं इस यात्रा में? सर जी सर। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर सुरेंद्र पुनिया। तो आप प्रोफेसर साहब हैं, क्या कहेंगे बाबा साहब जी के लिए? बाबा साहब के बारे में जितना कहें उतना कम पड़ेगा,
सबसे स्टार्टिंग में आपने एक प्रश्न किया कि बाबा साहब दलितों वंचितों के नहीं, बाबा साहब सर्व समाज के बहुत बड़े एक महान नेता, विद्वान, समाज सुधारक हुए हैं। बाबा साहब ने सबसे अधिक जो आप पूछ रहे थे कि सबसे प्रमुख जो काम किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देकर स्त्री उत्थान किया, जिससे आज सारे समाज की स्त्रियां, अगर हम बात करें दलितों वंचितों की नहीं, सर्व समाज की स्त्रियां बहुत ऊंचे शिखर तक जा रही हैं और अपने नाम और देश दुनिया में रोशन कर रही हैं। तो ये यात्रा कहीं ना कहीं एक अलग संदेश देगी। बिल्कुल सर, आप पॉलिटिकल इशू की बात कर रहे थे एक साथी के साथ, पॉलिटिकल इशू भी ना कहें इसको, दूसरा अगर देखें, हम कुछ भी हो, किसी की अपनी सोच कोई भी अलग हो सकती, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको एक दूसरे ढंग से देखें, कम से कम बाबा साहब की शिक्षाओं का, उनके सुधारों का कम से कम संदेश दुनिया तक फैल रहा है। तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार काम कर रही है ठीक ठाक? हम ये नहीं कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर यात्रा की बात करो, कम से कम संदेश जब तक दुनिया तक जरूर जाएगा कि बाबा साहब का नाम है दुनिया में कहीं ना कहीं। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पर आप समझिए, ट्रेन तैयार है एक लंबी यात्रा पर निकलने जा रही है, और यहाँ पर हम आपको ट्रेन के अंदर भी ले चलेंगे कि किस तरीके से ये यात्रा की जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तमाम जगहें हैं जहाँ पर यह ट्रेन जाएगी, और वो जगहें कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध से भी जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इन जगहों की अगर हम बात करें तो दिल्ली से चलकर ये ट्रेन महू जाएगी, उसके बाद नागपुर, फिर सांची, सांची से बनारस, बनारस से सारनाथ, बोधगया, राजगीर, नालंदा होते हुए ये वापस दिल्ली आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण यात्रा है, और बाबा साहब अंबेडकर का संदेश पूरे देश के अंदर लेकर ये ट्रेन निकल रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन दिल्ली।